वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं आज मेरे रूम की लाइट ऑन है। शुक्र है, मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था। मैंने कहा ये पाकिस्तान की रैली ड्राइवर बहुत जबरदस्त और कई चैंपियन चैंपियन चैंपियन। कई कई रैलीज जीत चुकी हैं आप, हाँ, बिल्कुल, अभी तो आगे भी जीतनी। और बड़े बड़े पुराने रेसर्स को हराया है। तो अच्छा, क्या हुआ, गाड़ी कौन सी ली है? रिवो ले ली? गाड़ी, हाँ, रिवो ले ली, और उसका इंशाल्लाह सामान भी आ रहा है। तो उसको वो रैली के लिए बना रही हो? नहीं, अपने लिए, ऐसे ही पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, हाँ, टकोमा रैली के लिए तो टकोमा है ना? वो वाली जो जो एक जो बाहर से सारा सामान आया वो अलग, और रैकी के लिए दूसरी है, और ये इंशाल्लाह पर्सनल यूज के लिए। तो ये इसमें क्या लगाना है? इसमें रिम, टायर, सस्पेंशन, ब्रिम्बो की ब्रेक्स, और वही हैमर के बम्पर्स। इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट करके लाते हैं। कलर भी थोड़ा डिफरेंट लिया मैंने। सिल्वर है ना? हाँ, सिल्वर लिया मैंने, मगर थोड़ा हाँ, चेंज होती हो। अब तो कलर कोई भी ले लो, अब रैप हो जाती है गाड़ी। हाँ, ये भी अभी थोड़ा सा कुछ अरसा इसको ओरिजिनल कलर पे चलाने देती हूँ ना, उसके हाँ, बाद सही है, लड़कियों पे थोड़ा सिल्वर सूट करता है। सा। हाँ बिल्कुल, आज थोड़ा मजा आया। आज आजकल ना ट्रेंड चल रहा है, सारे ना बर्नआउट मार रहे हैं, तो अच्छा मैंने नई गाड़ी पे बर्नआउट मारा। इंशाल्लाह वीडियो आती है, प्रॉपर वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह फिर देखना। अच्छा तो कहाँ पर? काफी अरसे बाद निकली हूँ मैं, मतलब यही, इसके बाद मैंने कहा मैं, क्योंकि मुझे ना काफी डीएम्स आ रहे थे कि आप मतलब बर्नआउट आप ही करे, ये फर्स्ट टाइम लाइफ में मतलब उन्हीं ऐसा टायर्स हुआ। पे जो ओरिजिनल है, हाँ, उन्हीं पे जला दिए, सड़ा दिए। नए टायर। देख देख के कुछ और आता, लेकिन मैं कहा कोई बात नहीं, अब क्या करें, घर में बंद रखा हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे ना। उसमें ना एग्जॉस्ट लगवा लेना एच के एस का। हाँ, वैसे ये मैंने नहीं सोचा था, बहुत अच्छा पिकअप हो जाएगा। मैं चिप पे कराऊंगी ना हाँ, चिप थोड़ा। भी कराओ, लेकिन एग्जॉस्ट है, एक तो आवाज हो जाएगी उसकी, आवाज अच्छी हो जाएगी, और अच्छा, साथ साथ मैसेज भी पढ़ते हैं भाई सबके। हाँ, मैसेज में मेरे को फिजा ना कह अभी रही है, ट्राई हु इज करना। शी? फिजा, शी इज सलमा खान, शी इज अ रैली ड्राइवर एंड शी इज अ चैंपियन, वुमेन्स चैंपियन, बहुत सारी रैलीज जीत चुकी हैं, बाइकर भी और हूँ, ये भी तो बाइक, बताइए। हाँ बाइक भी चलाई है इन्होंने ट्राइब हमारे साथ, हमारे एमसी ग्रुप हमारा जो में। ट्राइब ट्राइब जो हमारा बाइकर्स ग्रुप है उसकी भी ये मेंबर हैं, और कभी कभी जब ये आती हैं कराची तो बाइक भी चलाती हैं हमारे साथ। बस अभी दोबारा जब ये खत्म हो ना, फिर इंशाल्लाह आ रही हूँ, आप भी बाइक लें। हाँ, बाइक तो खैर कोई मसला नहीं है, कोई भी मिल जाती है, जब आओगी तो बताना, राइड तो कर लेंगे। अभी मैंने रोड किंग रखी हुई है अच्छा चलाने के लिए, लेकिन वही मैं बता रहा था, बहुत हल्की है। नहीं, या सिर्फ अच्छा, सॉफ्टेल डिलक्स मुझे पसंद नहीं है। हाउ आर यू? तो मैं ठीक, हम लोग ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी आय तरह। माँ पूछ रही है, हुई सी भाई, बता दो तुम खुद अब कौन हो, बार बार मैं पूछ रहा मैं रैली रेसर हूँ, रेसिंग करती हूँ, पाकिस्तान की चैंपियन, चैंपियंस में से एक चैंपियन। ये हूँ। थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना, चैंपियंस में से एक चैंपियन। हाँ, और लास्ट उसमें तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जो एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, बड़ा पता है आज क्या हुआ? खतरनाक। एक्सीडेंट हुआ, मुझ पे ना सारे हंसे, लाइक मैं तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे काफी चोटें भी आई। मैं जब थोड़ा सा होश में आती थी, मैं कहती थी अच्छा गाड़ी मंगवाओ, गाड़ी मंगवाओ, मैंने कल रेस करनी है। मैं टॉपल्ड अप, अच्छा 7 टाइम टॉपल्ड अप हुई है गाड़ी, पता है। और मेरे पीछे ना अच्छा, आमिर भट्ट का बेटा था, जरैन मक्सी, और वो कह रहा था कि शी वॉज फ्लाइंग, वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। मैंने वो जो रन किया था ना, वो बहुत जबरदस्त था, पता नहीं नजर लग गई, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं हाँ आया। वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि वो जब जंप तुमने एंडिंग के ऊपर की है तो वो कुछ वो जगह टेढ़ी थी या क्या था, तो वो उससे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक ऐसे बिल्कुल राउंड था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, टोटल फ्लैट था। आई अच्छा। वाज लाइक कमिंग, बिल्कुल मे बी कोई टेक्निकल इशू आया होगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट। उससे पीछे मैंने इतने टर्न्स खतरनाक खतरनाक किए थे, लेकिन बस लिखी हुई थी, एक बार तो रेसर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो ही जाए। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अब ये कि डर एक खत्म हो गया, कि चलो भाई हो भी जाती है तो बस सही है, लेकिन ये तो आग हाँ, वगैरह और लग रही थी, निकल हाँ, आए हम लेकिन लोग। ये तो होता है, कई ट्रैक्स बड़े मुश्किल होते हैं।
तो रैकी का ये फायदा तो हो जाता है कि आपको पता लग जाता है। हाँ असल में ना हब का ये था, ट्रैक पे हमें सिर्फ कहा था कि बस आप लोग 3 times रैकी कर सकते हैं। एक अच्छी बात कि उन्होंने हमें बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के जाने नहीं दिया, और उसी की वजह से जो बचत हुई है ना वो हेलमेट और सीट बेल्ट की वजह से हुई है। तो वो देखा उसकी कितनी वजह इम्पोर्टेंट है हेलमेट बाइक चलाते हुए भी। मैं आज भी देख रहा था एक भाई साहब शलवार कमीज पहने हुए, शलवार ऐसे फड़फड़ फड़फड़ हिल रही थी उनकी, और कौन सी बाइक थी? वो फैट बॉय चला रहे थे भाई। और हाँ पता नहीं हमारे ग्रुप का नहीं था, कोई और था, और मुंह पे वो मास्क नॉर्मल लगाया हुआ, ना हेलमेट ना ग्लासेस ना ग्लव्स ना नहीं जैकेट, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और वो फड़फड़ फड़फड़ चलवा रहे ऐसे हिल रही थी और वो चलाया जा रहा। अभी अभी मुझे ना एक लाइक कुवैत में कोतने, तो मतलब मेरे ये फॉलोवर है ना, लाइक इज इन उसमें है, लाइक पुलिस में है, ये जो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, तो वो मेरी बाइक्स की, वो देख के ना कि अभी बाइक्स का बड़ा शौक है, तो उन्होंने भेजा एक हायाबुसा पे, 24 years का लड़का था, ठीक है, वो लड़के दूसरे बंदे ने उसकी मारी, हालांकि उसने हेलमेट और सब कुछ पहना भी होता, फिर भी उसकी डेथ हो गई। तो सोचो जो बगैर हेलमेट वाले होंगे उनका क्या हाल होता होगा। भाई हेलमेट कई दफ़ा आपको हेड कोलिजन होता है उससे प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर बाइक ऐसी चीज़ है, गिरती है तो सर तो लगता ही है ना, तो अच्छा एजाज आपको रूसा का नाम ले ले प्लीज प्लीज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सेम मायने में रूसा। रूसा क्या आदमी, फिर रूसा डॉक्टर असल से में ना बात एक, हुई थी इलाज, अच्छा, ट्रैक पे करती हो रेसेस एजाज उस्मान भाई, क्या यहाँ हाल? आप क्यूट किसको बोल रहे हैं, सलमा को या मुझे? आपको क्यूट तो नहीं कह सकते नहीं क्या? कोई लड़कियां कह सकती हैं लेकिन आदमी बोले तो अजीब हाँ ये लगता भी नहीं, सक मैं भी हूँ ना आपके साथ, ठीक है, है। हाँ इसलिए इसलिए कंफ्यूजन हो रही है किसको बोल रहे हैं। मैं ले लेती हूँ आपका नाम, मोहसिन 32053। लव यू टू से हेट हेट टू मी सैंडी सैंडी हे। अस्सलाम वालेकुम एजाज असलम। हे सलमा, हेलो, पता नहीं इतना मुश्किल सा नाम है, हाँ वो VHSVAN एकदम असल में नाम है। इतनी तेजी से निकल जाता है ना, वो कभी क्लियर लिखा हो ना नाम तो फिर समझ आता है, बट अच्छा इसके हैंड फ्री लगा ले, हैंड फ्री कोई नहीं है ही नहीं, पता नहीं गुम हो गए, मुझे एयरपोर्ट पे गुम हो गए। ओ बड़ा एक एक बहुत अच्छा, आबरीश अली सर आप कहाँ से हैं? अब आप बताएं आप कहाँ से हैं। भाई वो पूछ रहे हैं सुप्रा और GTR। GTR कोर्स सुप्रा आप तो अब बताएं। भाई आती ही नहीं है, अब तो पहले एक सुप्रा आती थी, अब तो नई वाली सुप्रा तो मेरे नहीं ख्याल में अभी किसी के पास, एक एक है शायद किसी के पास। सलमा यू रॉक। थैंक यू स्वैग तैमूर, अस्सलाम वालेकुम एजाज, एजाज भाई फेवरेट एक्टर, फेवरेट तो है भाई, हम भी फैन है भाई। तुम्हारे पास क्या टाइम होता है ड्रामा देखने का? मैं ड्रामे मैं शुरू से नहीं देखती ड्रामे, लेकिन ये चीफ मैंने देखा था, चीफ हाँ मैंने देखा था, क्योंकि आप एक तो ये था ना हाँ अपडेट करते थे, तो वो मुझे मजबूरन एक दो, वो जब वो मैंने उसके टीजर वगैरह देखे हाँ तो इतने मजे का लगा है ना, ठीक अच्छा था कि बहुत। अभी एक आपका अपने वो मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि चीफ मतलब season 2 आना चाहिए, ये किसी ने लिखा था। यार season 2 आ नहीं सकता, वो एक तो वो बिलाल को उसमें एंड दिखा दिया हुआ है, फिर उस जैसा कोई ड्रामा आना चाहिए, कोई नहीं नया। हाँ वो जो डायरेक्टर है ना वो प्लान कर रहा था एक स्टोरी ना, बदर महमूद ने डायरेक्ट किया था, तो बदर भाई एक चीज़ प्लान कर रहे थे और सेम कास्ट के साथ में बिलाल और सबा, बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन वो फिर बीच में रुक गई क्योंकि चैनल इन्वॉल्व होता है ना, तो फिर टाइम लगता है चीज़ों को स्टोरी को अपने हिसाब से सब करना, तो वो अच्छा होगा। मैंने वो भी देखा था, वो डॉली वाला ड्रामा, वो भी बहुत मजे का था। एक तो आपकी एक्टिंग भी ना हाँ सीरियस और खतरनाक लगते हैं। अच्छा मैं आप लोग मैं ना आपके फैंस को बताती हूँ कि मैं इनसे जब पहली बार मिली तो लिटरली मतलब इन ये मतलब इतने अच्छे माशाल्लाह, इनकी मतलब स्वीट से हैं, ये हंसते रहते हैं और सबको ऐसे वेलकम करते हैं कि बस जैसे कि ना बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, ये सबकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मतलब फैन तो नहीं हम भाई पहले तो ही थे। रिस्पेक्ट नहीं तुमने भी रिस्पेक्ट दी थी, इतना एयरपोर्ट जाते हुए तुम पता नहीं किस तरह से
तुमने वो टाइम बीच में से मैनेज किया था एंड यू केम इन टू से हेलो व्हिच वाज वेरी नाइस. हाँ, ये तो दोनों तरफ से होता है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं मतलब के तो पता है हम लोग तो थोड़ा वो होता है ना कि आप तो बड़े स्टार है ना तो पहली बार मिलते हुए बंदे को होता है. लेकिन नहीं मतलब उस वक्त तुम स्टार इन द मेकिंग थी लेकिन अब तुम हो गई हो स्टार. नहीं देखो मैं ना अब नाम नहीं लूंगी. मैं मिली हूँ कुछ स्टार से, कुछ से मिली हूँ तो वो थोड़ा सा मतलब कुछ नाम नहीं ले सकती. तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं क्यों दो. लेकिन आप मतलब जैसे सना है, सना बहुत मजा आया. हाँ, हमारा जो क्लाइंट ग्रुप है वो तो बहुत ही अच्छा है. हाँ, अच्छा वेलकम था मुझे, बहुत अच्छा. चलो ये क्वारंटाइन खत्म हो तो फिर कोई प्लान करते हैं राइड का. हाँ इंशाल्लाह. अभी मैं आई थी कराची ना, मेरा जो जियो के साथ था तो सना हाँ, भी वो बिजी थी. मैंने वो टीवी पे देखा था तो मैं उस शो में मैं भी गया था. हाँ वो मैंने आपका शो भी देखा था. तो मैंने देखा कि तुम बैठी हुई थी उसमें लेकिन मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, मैं यूएस में था. आप भी नहीं थे, सना भी नहीं थी तो मेरा राइड का दिल था. मैंने कहा चलो फायदा नहीं है ना तो इसलिए मैंने उधर भी चक्कर नहीं लगाया. तो मैंने कहा इंशाल्लाह दोबारा हो फिर प्लान करके आऊंगी फिर कोई राइड करते हैं. मैंने अभी सोचा सना को भी मैंने कहा मैं यहाँ पे ना प्रॉपर लाइक जैसे के पैर पहली बार भी मैंने अच्छी चला ली थी. वो इमरान भाई कह रहे थे कौन बाइक लेकर आया. तो मैं कहा यहाँ प्रैक्टिस करूंगी पर हमें तो बंद ही कर दिया घरों में. मैंने कहा आप लोग की तरह मैं भी चलाऊंगी. नहीं बाइक तो चला सकते हैं, यहाँ तो बहुत लोग चलाते हैं. एक अकेला बंदा जा रहा है अगर उसने सारे अपनी मास्क और सब चीजें पहनी है, बाइक पे तो आपने बहुत ज्यादा कवर्ड होते हैं, तो चलाएं और आप आधा एक घंटा चला के वापस आ जाएं तो बाइक का तो मसला नहीं है. जैसे गाड़ी में लोग जाते हैं, एक बंदा जा रहा होता है ना, दो लोग बैठ के जाएं फिर मसला है. आज आज मैं जब गई हूँ ना इस्लामाबाद उसके लिए बर्नआउट के लिए मैंने जाना था तो मतलब दो जगह पुलिस के नाके लगे हुए थे. तो रोका है उन्होंने, पूछा प्रॉपर किधर जा रही है क्या है. तो मैंने तो झूठ बोल दिया. मैंने कहा मेरा तो घर है वहां पे. लाइक मैं पुलिस देख के घबरा गई. मैंने कहूंगी थोड़ी थोड़ा डर होता है ना पुलिस का. औरतों को तो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं ये लोग. नहीं नहीं जाने दे. मैं आपको बताती हूँ वहाँ बड़े मजे का सीन हुआ. मेरे से पहले एक गाड़ी थी लाइक तीन चार गाड़ी, उसमें दो लड़कियां बैठी थी. उन बेचारियों को साइड में किधर जा रही हैं, जाने ही नहीं दिया उनको. खड़ी रही जब मैं तो गुजर भी खड़े मतलब मेरी तो प्रॉपर मतलब तो टेंटेड थे. गाड़ी के शीशे खुलवाए चेक किए. वो दो दो थी ना, एक हो तो जाने देते शायद. लेकिन ये है कि सही है, पुलिस का काम है, ड्यूटी है, वो सही कर रहे हैं. अच्छा काम है. अच्छा हमारे लोग सुनते भी नहीं है ना यार, पूरा रश लगा देते हैं, वो बहुत गलत है. ये तो है. अभी मैं जहाँ पे मैं बर्नआउट मारी थी तो मुझे था कि इतनी गाड़ियां जमा हो गई. फिर वहां निकली मैं वहां से, फिर एक और जगह खड़ी की. तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जल्दी जल्दी बस बर्नआउट मार के भाग गए हम लोग वहां से. मैं कहा पुलिस आएगी पहले पहले तो हमें उठा के लेके जाएगी. तुमने वीडियो बनानी थी ना इसलिए. वीडियो बर्नआउट की नहीं, मैं कह रहा हूँ वीडियो बनाई होगी ना तुमने बर्नआउट की. हाँ हाँ वो प्रॉपर शूट करवाए है. अभी इंशाल्लाह वो आ जाएगी वीडियो एक दो दिन में ना, तो अपलोड करेंगे. थैंक यू. सही चलो है. मैं जा रहा हूँ अब. हाँ मैं भी ओके. मैंने कहा सलाम दुआ करूँ. ठीक है थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. आप सब लोग आए, कल कोशिश करूंगा और फैसल को भी बता दूं तो फिर साथ हाँ, आएंगे. मैं भी देखती हूँ. बड़ा मजा आता है आप लोग की गपशप देख. कल या परसों. ओके अल्लाह हाफिज़. ठीक है बाय बाय.